24 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड खबरों का सिलसिला। हैप्पी बर्थडे सोनू निगम। कभी दिल्ली की गलियों में स्टेज शो करते थे सोनू निगम, आज है हिंदी संगीत के एक शानदार गायक। सोनू निगम एक ऐसे गायक हैं जिसने अपनी खूबसूरत आवाज से पूरी दुनिया का दिल जीता है। उनके आवाज के हर उम्र के लोग दीवाने हैं। लेकिन ये बात सोनू निगम के बहुत कम चाहने वालों को पता होगी कि वे फिल्म इंडस्ट्री में गायक नहीं अभिनेता बनने आए थे। हालांकि अभिनय की दुनिया में सोनू निगम को इतनी शोहरत हासिल नहीं हुई जितनी उन्हें गायकी में हुई है। एआर रहमान संग अनन्या ने हिंदुस्तानी वे सॉन्ग से किया टीम इंडिया को चीयर। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों के बीच भारत एक सिल्वर पदक जीत चुका है और साथ ही मुक्केबाजी में उसका एक और पदक पक्का हो गया है। इसके बीच कोई है जो उनका हौसला बढ़ा रहा है? सिंगर अनन्या बिरला और संगीतकार एआर रहमान एक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे से खिलाड़ियों का जोश भर रहे हैं। सिंगर अनन्या बिरला और संगीतकार एआर रहमान एक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे से खिलाड़ियों का जोश बढ़ा रहे हैं। अगले साल रिलीज होगी प्रभास की राधे श्याम। बाहुबली के बाद प्रभास के फैंस उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम काफी चर्चा में है। लोग इसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो रिलीज होगी और आज फैंस का ये इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि राधे श्याम की रिलीज डेट सामने आ गई है। प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम पर राधे श्याम का नया पोस्टर रिलीज करते हुए उसके साथ लिखा है कि हमारी जो फिल्म है अगले साल 14 जनवरी 2022 में आ जाएगी। राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से गुरुवार को भी नहीं मिली राहत, अब शनिवार को होगी याचिका पर सुनवाई। अश्लील वीडियो बनाने और उनका ऐप के जरिए कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गुरुवार को भी बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय में राज की याचिका को सुनवाई के बाद शनिवार तक स्थगित कर दिया गया है। सलमान खान ने रिलीज से पहले अपने स्टाफ को दिखाई अंतिम। वरुण धवन है फिल्म का सरप्राइज पैकेज। सुपरस्टार सलमान खान की आखिरी फिल्म राधे प्रशंसकों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। नतीजे ये हुए कि फिल्म से जितनी उम्मीद थी वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए भाईजान सलमान खान इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने अपनी फिल्म द अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए कुछ बड़ा सोचा है। सलमान ने अपने फैंस को चौंकाते हुए फिल्म की स्क्रीनिंग पहले ही कर दी है। जी हां, आपने सही सुना, भाईजान की इस फिल्म को कुछ लोगों ने पहले ही देख लिया है। बॉलीवुड की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज।